हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम फिक्सेटिव स्प्रे के बारे में बात करेंगे। इस पर मैंने एक वीडियो बनाई थी स्टार्टिंग में, जब चैनल स्टार्ट किया था, और उसमें मैंने ग्रेफाइट पे ऊपर यूज़ करके दिखाया था आपको, और ज़्यादा कुछ बताया भी नहीं था। तो इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर करके बताऊँगा कि हम इसको कहाँ कहाँ कैसे यूज़ कर सकते हैं, किस किस पेंसिल के ऊपर यूज़ कर सकते हैं, तो सब मैं ट्राई करके देखेंगे। और काफ़ी लोग बोल रहे थे कि हमको ये बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा, और मैं किस तरह से यूज़ करता हूँ वो भी बताऊँगा। तो लेट्स सी। सो ये मेरे पास फिक्सेटिव, इसके ऊपर लिखा हुआ है 4 पेस्टल चारकोल पेंसिल। तो इसका जो प्रिंट रेट है वो है 250, और ये 250 का ही मिला था मुझे, मैंने दिल्ली से बाय किया था। अब इसको यूज़ करके देखते हैं। तो उससे पहले हमको शेडिंग करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं ग्रेफाइट पेंसिल का यूज़ करके शेड कर रहा हूँ। अब चारकोल पेंसिल से शेडिंग कर लेता हूँ। एक बार मैं सभी को शेड कर लेता हूँ, एक बार कलर पेंसिल पेस्टल वगैरह, फिर उसके ऊपर से यूज़ करेंगे। ये है सिंपल कलर पेंसिल फैबर कैस्टल की, और अब मैं यूज़ करूँगा वाटर कलर पेंसिल स्टेडलर की। ये है ऑयल पेस्टल, और लास्ट में है सॉफ्ट पेस्टल। सो गाइस, शेडिंग तो हो चुकी है। अगर आप इसके ऊपर फिंगर लगाएंगे तो ये फैल सकता है, और ग्रेफाइट इसकी फैल सकती है जैसे कि आप देख सकते हैं। तो इससे बचने के लिए हम स्प्रे का यूज़ करते हैं। तो चारकोल तो ज़्यादा फैलता है, और ये कलर पेंसिल तो इतनी नहीं फैल रही है, बट सॉफ्ट पेस्टल फैलता है जैसे कि मैंने वीडियो में बताया था आपको। ऑयल पेस्टल भी इतना नहीं फैलता है। सो गाइस, अब ट्राई करते हैं इसको सभी के ऊपर स्प्रे करते हैं, और देखते हैं क्या रिजल्ट रहता है। इनके ऊपर स्प्रे करके इनको 5 से 10 मिनट छोड़ देते हैं। ये जो पेपर आप देख रहे हैं, ये प्रिंट आउट वाला पेपर है जो कि हम प्रिंट आउट में यूज़ करते हैं, बिल्कुल पतला पेपर। तो इसके ऊपर मैं प्रैक्टिस करता हूँ, जैसे कि आप सबको पता है, मैंने वीडियो में बताया था आपको। तो इसके ऊपर ट्राई करते हैं, इसके ऊपर मैंने प्रैक्टिस कर रखी है, तो थोड़ी बहुत इसके ऊपर ट्राई करते हैं कि इसके ऊपर कोई अफेक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता स्प्रे से, क्योंकि ये काफ़ी पतला पेपर है। तो देखते हैं क्या अफेक्ट पड़ता है इसके ऊपर। स्प्रे करने से इस पेपर के जो पीछे मैंने ड्रॉ कर रखा है वो भी दिख रहा है, क्योंकि पेपर काफ़ी पतला है और स्प्रे में बिल्कुल लिक्विड होता है। तो अब इसको सूखने देते हैं। वैसे पेपर फटा तो नहीं जैसे कि आप देख सकते हैं, बट काफ़ी चांसेस हैं इसके फटने के, क्योंकि इसमें लिक्विड होता है और पेपर काफ़ी पतला है। तो अगर आप इसको यूज़ करें तो मैं आपको कहूँगा काफ़ी मोटा पेपर यूज़ करो, मोटे पेपर में बिल्कुल भी नहीं फटेगा और इस तरह का अफेक्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा। सो गाइस, जहाँ पे हमने स्प्रे किया था वो सब सूख चुका है। तो अब देखते हैं, तो अब देख सकते हैं ये बिल्कुल सही हो चुका है, अब बिल्कुल भी फैलेगा नहीं, ग्रेफाइट भी और चारकोल भी। कलर पेंसिल्स की शेडिंग भी वैसी की वैसी ही है, अब ये बिल्कुल भी फैलेंगे नहीं। बट अगर आपने इसको एक बार यूज़ कर दिया तो इसको रिमूव करना काफ़ी मुश्किल है, इससे आपकी पूरी ड्राइंग भी ख़राब हो सकती है, तो आपको केयरफुली यूज़ करना पड़ेगा। तो ये सॉफ्ट पेस्टल में देखो ये फैल चुका है, क्योंकि इसके ऊपर पाउडर सा था जो कि मैंने हटाया नहीं, तो जब लिक्विड आया इसके ऊपर तो ये चारों तरफ फैल गया इस तरह से। बट काफ़ी अच्छे से यूज़ हुआ है सॉफ्ट पेस्टल के ऊपर से, और ऑयल पेस्टल के ऊपर से भी काफ़ी अच्छे से यूज़ हुआ है, बस सूखा नहीं है ऑयल पेस्टल वाला थोड़ा, क्योंकि इसमें ऑयल होता है, बाकी इसके ऊपर भी काफ़ी अच्छे से यूज़ हुआ है। सो गाइस, ये जो स्प्रे है फिक्सेटिव, आप इनमें से किसी के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं, कलर पेंसिल के ऊपर, सॉफ्ट पेस्टल, ऑयल पेस्टल, किसी के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं, बट काफ़ी केयरफुली यूज़ करना, क्योंकि इससे आपकी ड्राइंग भी ख़राब हो सकती है। अब प्रिंट आउट वाला पेपर देखते हैं। तो इसके ऊपर देख सकते हैं आप काफ़ी फ़र्क पड़ा है, जो पेपर है वो थोड़ा मुड़ सा गया है, क्योंकि इसके ऊपर लिक्विड था, इस साइड से भी ऐसे लग रहा है। तो अगर आपको यूज़ करना है तो आप अच्छे GSM के पेपर के ऊपर यूज़ करना, कार्ट्रेज पेपर मिलता है 120 GSM, 100 GSM से ऊपर पेपर होगा तो काफ़ी अच्छा रहेगा। सो गाइस, ये है फिक्सेटिव स्प्रे जिसका हम यूज़ कर सकते हैं अपने हमारे स्केचेस कंप्लीट होने के बाद, ताकि हमारे स्केचेस में जो चारकोल या फिर ग्रेफाइट है वो फैले ना। तो अब मैं आपको बताऊँगा आपको ये बाय करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अगर आप एक बिगिनर हैं या फिर आपकी हॉबी है ड्राइंग करना, तब आपको इसको बिल्कुल भी बाय नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका मैं कैसे यूज़ करता हूँ मैं आपको बताता हूँ। मुझे स्केचेस भेजने होते हैं इसलिए यूज़ करता हूँ, क्योंकि रास्ते में फैल सकता है चारकोल, और मैं सिर्फ चारकोल में ही यूज़ करता हूँ इसको, ग्रेफाइट में भी यूज़ नहीं करता हूँ मैं। और इसमें जो स्प्रे है वो बिल्कुल कम है, तो वो आपका बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, 250 रुपये का मिलता है ये, और काफ़ी जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो मैं आपको ये कहूँगा कि आपको ये बाय नहीं करना चाहिए। अगर आप एक बिगिनर हैं या फिर आपकी हॉबी है, तो आप डिस्प्ले बुक का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ये डिस्प्ले बुक है मेरे पास, तो इसमें अपने सारे स्केचेस वगैरह रखता हूँ, और इसमें जितने भी स्केचेस पड़े हैं उनमें मैंने बिल्कुल भी स्प्रे का यूज़ नहीं किया है, वो ओनली कमीशन वर्क्स में करता हूँ, या फिर सब्सक्राइबर ऑफ द मंथ वाली में किया था मैंने, तो क्योंकि वो भेजने पड़ते हैं मुझे, तो इस तरह से मैं रखता हूँ। आप भी इस तरह से डिस्प्ले बुक में रख सकते हैं, इसका आपको कोई यूज़ नहीं है क्योंकि काफ़ी महंगा है, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो मैं आपको एक मोर डिस्प्ले बुक बाय कर लो, और उसमें आप अपने स्केचेस को रख सकते हो। सो गाइस, आई होप आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा।
आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो. इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो गिव इट अ बिग थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.